महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। तो इस बार क्या लिखा गया है सामना में, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। शिवसेना बीजेपी सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रही है, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। इस बार सामना के संपादकीय में लिखा गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो किया उससे देश में उसकी छींथ हो रही है। अब तो सिर्फ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को ही अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें पद देना बाकी रह गया है। इन तीनों में से एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, लूटमार, नैतिकता अब उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। सिंचाई घोटाले के चलते अजीत पवार को चक्की पीसने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे। लेकिन उन्हीं अजीत पवार ने फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को यही चक्की पीसिंग फडणवीस के सागर बंगले में बैठकर अपने गुट के लिए विभागों का बंटवारा कर रहे थे। आश्चर्य ही है। वही सामना के संपादकीय में शिंदे को लेकर भी तंज कसा गया है। इसमें लिखा गया है कि विभाग बंटवारे की चर्चा मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले पर होनी चाहिए थी, लेकिन अजीत पवार और उनका गुट पहुंचा सागर पर। इसे आश्चर्य ही कहा जाएगा। मुख्यमंत्री की ये अव्यवस्था असहज है और दिन ब दिन और दयनीय होती जाएगी। सामना में यहाँ तक लिखा गया है कि राष्ट्रवादी हमारे साथ सत्ता में शामिल हुई तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। ऐसी गर्जना करने वाले घाती गुट के सभी प्रवक्ता अचानक से गायब हो गए हैं। घाती गुट के एक मंत्री सावंतवाड़ी ने दीपू केसरकर ने 15 दिन पहले ही कहा था अगर बगावत विफल होती तो शिंदे ने अपने ही सर पर पिस्टल चला ली होती। उस समय उनकी मानसिक अवस्था बहुत ही खराब थी। जीबी लाइव की रिपोर्ट।